वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी इन विंडो एसी। ये देखो, ये है वोल्टास का 5-स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर और ये है डाइकन का 5-स्टार नॉन इन्वर्टर एसी। दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि इन्वर्टर एसी लेना चाहिए विंडो में या नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए, किसकी कंजप्शन ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन हाई टेम्परेचर में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, वो चेक करेंगे आज। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जैसे स्प्लिट एयर कंडीशनर में 5-स्टार फिक्स स्पीड से कंजप्शन कम करता है, शायद विंडो में भी ऐसा करता होगा, पर विंडो में गेम पूरी उल्टी है। क्योंकि विंडो में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई जितनी स्प्लिट एसी में एडवांस आ चुकी है। क्योंकि अगर आप स्प्लिट एसी की ISCR देखो 5-स्टार की, वो मिनिमम 4.51 होनी चाहिए तब 5-स्टार लगता है, पर इसमें 3.4 मीन्स 3.1 से लेके 3.50 तक 5-स्टार लग जाता है। अगर वही हम फिक्स स्पीड में स्प्लिट एसी में देखें तो वो 2-स्टार बनता है इस स्टार रेटिंग के, अगर देखें बदले ISCR के मुकाबले। ये है इन्वर्टर 5-स्टार, वो है नॉन इन्वर्टर 5-स्टार, तो इसकी कंजप्शन तो बहुत कम होनी चाहिए ना। अगर हम कंपनी के तरफ से देखें, इसकी 5-स्टार की कंजप्शन है 1149 यूनिट्स पर ईयर। अगर वो ही हम इसके किसी अदर ब्रांड के 5-स्टार इन्वर्टर की बात कर लेते हैं, ये देखो इसकी होगी 785। अगर हम छोड़ो इसी की तो छोड़ो तो वोल्टास की बात करते हैं। वोल्टास के अगर 3-स्टार मशीन है उसकी भी 1076 यूनिट्स हैं, 4-स्टार की 966 यूनिट्स हैं और 5-स्टार की 854 यूनिट्स हैं। तो इससे ये पता लगता है कि 5-स्टार इन्वर्टर विंडो और स्प्लिट में कंजप्शन का बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर हम यही फिक्स स्पीड विंडो की बात करें तो 1050, ये देखिए 1049 यूनिट्स पर ईयर है, ये डेटन का एसी है फिक्स स्पीड डाइकन का, और यहाँ इन्वर्टर आ गया, इन्वर्टर के यूनिट्स ज़्यादा हैं, 1050 यूनिट्स बनते हैं। सिर्फ इन्वर्टर लिखने से कंजप्शन कम नहीं हो जाती या कूलिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ जाती, हमें वो भी देखना चाहिए कि ISCR वैल्यू क्या है और पर ईयर यूनिट्स क्या हैं। क्योंकि मेरे साथ कई लोग, बहुत लोगों की बहस होती है, तो वो कहते हैं ये इन्वर्टर है तो इसकी कंजप्शन कम होगी और वो फिक्स स्पीड है उसकी ज़्यादा होगी, पर अगर आप देखो, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो तो इसकी कंजप्शन कम है, इसकी ज़्यादा है। हमने यूनिट्स भी चेक कर रखे हैं एक रूम में लगा के स्पेशल, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि ये दिखा भी दिया, स्प्लिट के 3-स्टार के भी 1070 यूनिट्स थी, इसका जो सा स्प्लिट का 3-स्टार इन्वर्टर एसी है उसकी भी कंजप्शन कम है इससे। सिर्फ 5-स्टार रेटिंग और इन्वर्टर लिखने से कंजप्शन कम नहीं होती। मैंने ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि लोग कहते हैं जितना बढ़िया परफॉर्म इन्वर्टर एसी करता है स्प्लिट एसी में, विंडो उससे बढ़िया करेगा, पर ये गेम यहाँ पर उल्टी हो जाती है। ये सामने ही आपका कोई, मैंने ये खुद का स्टिकर नहीं लगाया, आप ऑनलाइन भी स्पेसिफिकेशंस निकाल के देख सकते हो। क्योंकि कई मैंने देखे हैं यूट्यूब पे लगे हुए हैं व्लॉग्स, यहाँ पर फ़ोनों पे देख के ऑनलाइन देख के यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग जाते हैं, किसी ने प्रैक्टिकल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, जी 5-स्टार इन्वर्टर लगा दो कंजप्शन बहुत कम हो जाएगी, भाई कैसे हो जाएगी, कि ये कंपनी झूठ थोड़ी लिख के देती है, कोई अपनी खुद की कंपनी ऐसे गलत थोड़ी लिख देगी। सामने है तो मैं तो कहूँगा यही प्रेफर करूँगा, क्योंकि विंडो में सबसे बड़ा, क्योंकि निकाल के सर्विस करना पड़ता, इसे अगर गलती से किसी आम मैकेनिक ने सर्विस कर दिया तो आपका बोर्ड तो गया, क्योंकि इसका बोर्ड हर बारी खुलेगा तब सर्विस होगा, ऐसे नहीं कि बोर्ड कहीं इधर लगा हुआ, इसका बोर्ड इधर लगा हुआ यहाँ पर सेंटर पे, तो जब एसी निकलेगा तो पहले बोर्ड सारा खुलेगा फिर एसी सर्विस होगा, तो बार बार बोर्ड खुलेगा लगेगा खुलेगा लगेगा, तो आप सोच ही सकते हो क्या हालत हो सकती है उसकी। कि हर साल एसी तो ऐसी चीज़ है ना कि हर साल सर्विस होना, कोई टीवी LCD तो है नहीं कि एक बार लगा दिया तो लोड ही नहीं मुड़ दोबारा, तो चीज़ वही लो, पहले परखो देखो, सिर्फ YouTube पे देख के मत करो, किसी प्रोफेशनल की राय लो,
आप चेक करो क्या स्टार रेटिंग है, क्या ISER रेशो है। मैंने एक वीडियो डाली थी 2 साल पहले कि जिसमें मैंने बोला था कि कौन सी 10 चीज़ें देख के AC बाय करना चाहिए। आप वो वीडियो देखो, और कोई भी AC लेना है तो सबसे पहले वो 10 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना आपने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई अगर गलत मैंने कुछ कह दिया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं भी देखूंगा क्या आपको रिप्लाई करूंगा उस चीज़ का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।